प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के साथ अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि WHO चीन के इशारे पर काम करता है, उस पर चीन का नियंत्रण है। इससे पहले भी कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ट्रंप के निशाने पर था। अमेरिका शुरुआत से ही कोरोना वायरस को रोकने की WHO की क्षमता पर सवाल खड़ा करता आया है। केवल अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन जैसे कई अन्य देश भी चीन और WHO के खिलाफ लामबंद हैं। अमेरिका का कहना है कि WHO वायरस को शुरुआती दौर में रोकने में असफल रहा। इन मौकों पर चीन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर था। गौरतलब है कि 31 जनवरी तक WHO ने यही बयान दिया था कि कोरोना का संक्रमण इंसान से इंसान के बीच नहीं फैलता। इसी बाबत व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका एक साल में WHO को तकरीबन $450 मिलियन देता है, जबकि चीन मात्र $40 मिलियन देता है। इसके बावजूद WHO पर चीन का कब्जा है। उन्होंने कहा कि WHO से रिफॉर्म को लेकर जो सिफारिशें की गई उन्हें लागू नहीं किया गया, इसीलिए अमेरिका WHO के साथ अपने संबंध तोड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि WHO को दिए जाने वाले फंड का इस्तेमाल अब दूसरे देशों में आपात स्थिति में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस फंड को किसी ऐसी वैश्विक संस्था को देगा जो वाकई जमीन पर जन स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहा है। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर भी निशाना साधा। कहा, चीन को कोरोना वायरस के मामले में दुनिया के सभी प्रभावित देशों के सवालों के जवाब देने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अक्षम होने का आरोप लगाया। चीन को विश्व में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए दोषी बताया। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। COVID-19 से अब तक पूरे विश्व में 59 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के 200 से अधिक देश इसकी चपेट में हैं। अमेरिका में अब तक 17.8 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जबकि 1.04 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही चीन की सरकार पर अमेरिका के औद्योगिक रहस्यों को चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि वो संभावित विदेशी जोखिमों के रूप में पहचाने जाने वाले चीन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। हांगकांग को लेकर चीन की नीति पर भी ट्रंप ने निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि हांगकांग के खिलाफ चीन की सरकार का नया कदम उसकी साख को कम कर रहा है। ये हांगकांग के लोगों, चीन के लोगों और वास्तव में दुनिया के लोगों के लिए एक त्रासदी है। आपको बता दें कि बीते काफ़ी दिनों से अमेरिका और चीन के बीच कोरोना महामारी की वजह से तनातनी है। अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाता आया है। वहीं चीन ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कई अन्य देशों ने भी चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके नेचर को लेकर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। जर्मनी ने तो कोरोना महामारी की वजह से हुए जानमाल के नुकसान को लेकर हर्जाने का नोटिस चीन को भेज दिया था। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ काफी मुखर रहा है। इस बीच इन देशों ने जांच की भी मांग की थी। पहले तो चीन ने जांच की मांग को नकार दिया, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की सालाना बैठक में चीन ने जांच के लिए हाँ कर दी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका नेचर क्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।